नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज के विषय के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दरअसल आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच में अनबन हो जाती है, बुरी आदतें परेशानी का कारण बन जाती हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। और कब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं, कौन सी हो सकती हैं वो आदतें और क्या हो सकता है इन तमाम आदतों का समाधान, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। सावन के शनिवार पर किसी भी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान जरूर करिए। सावन के शनिवार अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं, सावन में एक शनिवार पर भी अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके रोजगार में चली आ रही समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए, गुड लक मंत्र के बारे में तो जान लिया हमने पंडित जी से, अब बात कर लेते हैं 30 जुलाई के पंचांग के बारे में। दिनांक 30 जुलाई 2022, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर के 12:13 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं 12:13 तक। इसके बाद सिंह में राहु काल का समय सुबह के 9 से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए, इसी के साथ आज के विषय पर आते हैं, आज के विषय की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले पंडित जी से जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि पंडित जी, ये बताइए कि कब पत्नियों को पति की आदतें परेशान करती हैं। देखिए, पति पत्नी के आपसी तालमेल से, उनके आपसी एडजस्टमेंट से ही वैवाहिक जीवन बेहतर चलता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पति की कुछ आदतों की वजह से पत्नियों को दिक्कत होती है, घर में अशांति होती है, घर में विवाद होते हैं। कब ऐसा होता है कि पत्नियों को पति की आदतों की वजह से दिक्कत होती है? देखिए, पत्नी की कुंडली का जो सातवां खाना है, सप्तम भाव है, नवम भाव है और पत्नी का लग्न है, ये पति की आदतों से संबंध रखता है। इन भावों के खराब होने पर, अगर ये भाव, अगर ये हाउसेज कुंडली में खराब हैं, तो पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है। बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो इन आदतों को नजरअंदाज करके झेलती रहती हैं, और बहुत सारी पत्नियां इसके लिए बोलती हैं जिसकी वजह से विवाद होते हैं। पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है, ये पति की आदतों के बारे में बता देता है। पत्नी का शुक्र दो बातें बताता है। पहली बात कि पति पत्नी का आपसी तालमेल कैसा होगा, आपसी व्यवहार कैसा होगा, और ये भी बताता है कि पति की आदतें कैसी होंगी, पति का स्वभाव कैसा होगा, पति के साथ तालमेल कितना बेहतर बना रहेगा। तो पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है, वो पति के बारे में सारी जानकारियां दे देता है। अगर मान लिया आप पत्नी हैं और पति की बहुत सारी आदतों से आपको असुविधा है या आपको दिक्कतें हैं, तो आप कुछ उपाय करके अपनी पति की आदतों को सुधार सकती हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो आदतें हैं वो किन ग्रहों की वजह से आई हैं और उन आदतों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहले आदत समझिए कौन सी गलत आदत है, फिर ये समझिए कि उसके पीछे ग्रह कौन सा है, फिर उस ग्रह के लिए अगर उपाय किए जाएं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं।
देखिए, अगर आप भी अपने पति की किसी आदत से परेशान हैं तो उपाय इस शो के अंत तक आपको पंडित जी बताते जाएंगे। अब बारी आती है राशिफल की। सबसे पहले पहली तीन राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। पहली तीन राशियों की बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर दिक्कतें अभी दिख रही हैं और संतान को लेकर भी मन में थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि एक बात जरूर है कि पैसे रुपए की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिला के ठीक बनी रहेगी। अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आराम से काम नहीं चलेगा। हालांकि अचानक धन की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है। अपने स्वास्थ्य का अगर आप थोड़ा ध्यान बनाए रखें तो इस समय आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाद विवाद आपके समाप्त होंगे, नौकरी में अनुकूल परिवर्तन हो सकता है, नौकरी की स्थितियां बेहतर हैं, किसी छोटी यात्रा पर आकस्मिक रूप से आपको जाना पड़ सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे और अन्य राशियों पर भी आएंगे। सबसे पहले आप सभी के सवालों का वक्त हो चला है, तो पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल सबसे पहले लेंगे आज? जी, जो आज का पहला प्रश्न है वो रेखा कपूर जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखती हैं ये अपने पुत्र शुभम कपूर के लिए। शुभम की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1991, जन्म का समय है 10:45 सवेरे, जन्म स्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि बेटा जो है वो 4 साल से एक ही नौकरी में है, नौकरी में बहुत तरक्की नहीं हो पा रही है, तो बेटे को अच्छी नौकरी कब मिलेगी, पहला सवाल। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि बेटे का विवाह कब होगा और बेटे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेखा जी, आपके पुत्र शुभम की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है जनवरी 2023 तक। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे को अच्छी नौकरी मिलने का जो समय है वो 2022 के अंत में दिखाई दे रहा है। 2022 के अंत में या 23 की शुरुआत में इनको एक बेहतर नौकरी मिलेगी और उस नौकरी में इनको स्थान परिवर्तन भी अपना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनका विवाह वर्ष 2023 में होगा, संभवतः जनवरी से जून के बीच में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। इस कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन में कोई खास समस्या नहीं है और कुंडली मांगलिक भी नहीं है, इसलिए आपके सुपुत्र का वैवाहिक जीवन अच्छा दिखता है। सोच समझ के विवाह करिएगा, अगले साल विवाह के योग हैं, प्रभु की कृपा से सब बेहतर होगा। क्या करना चाहिए अच्छे करियर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए?
अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दें और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल प्लेन वाटर अर्पित करें तो इनके लिए बेहतर होगा। और चलिए आज हम बात कर रहे हैं पंडित जी से, अगर आप अपने पति की आदतों से परेशान हैं, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन से उपाय करने हैं, ये तो बात करेंगे ही। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आपके पति की वाणी, बोलचाल, भाषा ठीक ना हो तो फिर क्या करना चाहिए पंडित जी? पत्नी की कुंडली का जो अष्टम भाव है, जो आठवां खाना है, वो पति की वाणी का भी भाव है। वो ये बताता है कि आपके पति की स्पीच कैसी होगी। या किसी महिला की कुंडली के अष्टम भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है वो बता देते हैं कि उनके पति की वाणी कैसी होगी। मीठी होगी, बदजबान होंगे, अपशब्द बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, कैसे होंगे। और अगर किसी महिला के अष्टम भाव में पाप प्रभाव हो तो पति की वाणी ठीक नहीं होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला काम तो आप ये करिए कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय पूजा के दौरान शंख और घंटी जरूर बजाइए। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जप करिए। पहले सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, फिर पूजा स्थान पर बैठ के दीपक जलाइए, शंख और घंटी बजाइए और फिर गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। घर में भोजन अपने हाथों से बनाइए, इससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग हाथों के अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं और इसका प्रभाव खाने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और कोशिश करिए कि अपने पति के साथ थोड़ा समय निकाल करके आप भोजन करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पत्नी ये उपाय लंबे समय तक करे, लगभग 1 महीने में इसका बेहतर असर आना शुरू हो जाएगा। पत्नी को भोजन बनाने का प्रयास भी करना है। अगर बहुत व्यस्त हैं तो एक समय भोजन बनाइए और पति के साथ बैठ करके प्रेम से भोजन करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। और दूसरी और प्रमुख बात यह है कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगी तब आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगी कि मेरे पति की वाणी में, मेरे पति के बोल चाल में सुधार होना शुरू हो जाए। और अगर आप भी इस तरह की वाणी से परेशान हैं तो जो उपाय पंडित जी ने सुझाए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बारी आती है अगली 3 राशियों के, पंडित जी से जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। अब बात करेंगे अगली 3 राशियों की, कर्क, सिंह और कन्या राशि की। सबसे पहले अब बात करते हैं कर्क राशि की। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपको कोई शुभ सूचना निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की चिंता बिल्कुल मत करिए, चीजें बेहतर होने ही वाली हैं। परिवार की स्थितियों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, संपत्ति के काम आपके बन जाएंगे, खरीदना हो बेचना हो इस समय लाभ होगा, धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं।
स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर जल्द ही वापस लौटेंगे, बाकी राशियों का हाल भी जानेंगे। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का पंडित जी। जी अगला जो प्रश्न है वो कृतिका कश्यप जी ने हमें लिखा है, ये दिल्ली से लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 2 दिसंबर 2001। जन्म का समय है 9:05 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि बीकॉम कर चुकी हैं, एमकॉम कर रही हैं, क्या मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती हूँ, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकती हूँ, और ये पूछ रही हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कृतिका आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। आपकी महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा भी बृहस्पति की चल रही है। इस कुंडली में दो तरीके की नौकरियों के योग बनते हैं। पहली नौकरी है शिक्षा क्षेत्र की, टीचिंग जॉब की। तो पहले आप एमकॉम करने के बाद नेट क्वालिफाई करके टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करिए, पहला काम तो आप ये करिए, और उसके बाद आप यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन पहली नौकरी आपको शिक्षा क्षेत्र में मिलेगी, उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं। आपका भविष्य अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, खास तौर से आँखों को लेकर के और पेट को लेकर के आपको दिक्कतें रह सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? कृतिका एक रत्न बनवा के पहनिए, उसे कहते हैं माणिक्य यानी रूबी। वजन में लगभग 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे आप एक माणिक्य पहन लीजिए, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपका सिलेक्शन होगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि पंडित जी हम आदतों की बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल ये कि अगर पति घर में गंदगी फैलाते हैं तो फिर उसके लिए पत्नियों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर किसी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो, या शुक्र की पोजीशनिंग बहुत अच्छी ना हो, या किसी महिला की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा हो, तो आप देखेंगी कि आपके पति सिस्टम से नहीं रहेंगे, गंदगी फैलाएंगे, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो ऑफिस हो, किताबें कापियां बिखरी रहेंगी, चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी, चीज़ें बहुत गड़बड़ होंगी और साथ में गंदगी भी रहेगी। ये ऐसा जरूर होता है जब किसी महिला की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होता है तो उसके पति सामान्यतः घर में अव्यवस्था या गंदगी फैलाते हैं। क्या करना चाहिए? घर में जब भी पोंछा लगे, पोंछे के पानी में नॉर्मल नमक 1 चम्मच 2 चम्मच डाल करके उस नमक वाले पानी का पोंछा घर में लगवाइए, बहुत अच्छा होगा। घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करिए। आजकल कपूर के डिफ्यूजर्स भी आ गए हैं जिसमें ऊपर कपूर रख दीजिए और नीचे कैंडल लाइट जला दीजिए या टी लाइट जला दीजिए, तो कपूर की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करें। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में 1 गिलास पानी में नींबू, बिना कटा हुआ नींबू, 1 गिलास पानी में नींबू डाल करके रख दें। ये निगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, आदतों में सुधार पैदा करता है। पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाएं। चंदन की खुशबू एक ऐसी खुशबू है जो आदमी को अंदर से बदलने की ताकत रखती है। तो अगर आपके पतिदेव को चंदन की खुशबू का प्रयोग करवाया जाए या चंदन के तिलक का नियमित रूप से इस्तेमाल करवाया जाए तो उनकी आदतें बहुत हद तक बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए
और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये उपाय करेंगी तो सुधार नहीं होगा, सुधार जरूर होगा। खास तौर से इस मामले में कि पति गंदगी फैलाते हैं या पुरुष गंदगी फैलाते हैं, खुशबू का, सुगंध का विशेष महत्व है। तो अपने घर में जितनी भी पॉजिटिव खुशबू आप रखेंगी, आपके पतिदेव की इस आदत में सुधार जल्दी होगा। पंडित जी, ये बताइए कि किसी भी शख्स का, पति या पत्नी का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर की हम बात करते हैं, वो ये निर्धारित करता है कि आपका जीवन यापन कैसे होगा। बिल्कुल। तो अगर आप दोनों के ही व्यवहार में दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पतियों के व्यवहार में ही दिक्कत है, स्वभाव में दिक्कत है, पत्नियों के व्यवहार में, स्वभाव में भी दिक्कतें हो सकती हैं। और कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें स्वभाव परमानेंटली खराब होता है। आप उनको रत्न पहना दीजिए, आप उनको उपाय बता दीजिए, उनके लिए पूजा कर दीजिए, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं हो पाता है। अगर ऐसा है, मान लिया आप पति हैं, आपकी पत्नी के स्वभाव में परमानेंटली प्रॉब्लम है, या पत्नी हैं और आपके पति के बिहेवियर में प्रॉब्लम है, वो ठीक से बोलते नहीं, ठीक से बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते, समय नहीं देते, इस तरह की समस्या अगर पत्नी को पति से है या पति को पत्नी से है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर आप रोज सुबह कर सकें, अगर करवा सकें, आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, आपकी पत्नी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगे तो स्वभाव ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप उनके लिए रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन साथी के स्वभाव में, जीवन में इम्प्रूवमेंट हो। अगर ऐसा किया जाता है तो परमानेंट जो स्वभाव की समस्याएं हैं उसमें सुधार होता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हर बृहस्पतिवार को लंबे समय तक करते जाइए, आपके जीवन साथी के स्वभाव में, व्यवहार में सुधार जरूर होगा। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और बाकी तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। बात करेंगे अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं तुला राशि की बात। जीवन साथी से सहयोग मिलता दिख रहा है आपके लिए, तमाम चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस समय आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता बनी हुई है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, तनाव दबाव थोड़ा कम होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है, रिश्तों की तमाम समस्या आपकी हल होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके तनाव में कमी आएगी, आपका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए, वक्त हो चला है आप सभी के सवाल लेने का, तो पंडित जी अब कौन सा सवाल ले रहे हैं हम? जी, अगला जो सवाल है हमारे पास वो चिरंजीवी पाटिल जी ने लिखा है, बैतूल से लिखते हैं, मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1998,
जन्म का समय है 2:05 AM यानी मध्यरात्रि में। जन्मस्थान है बैतूल, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए, क्या मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगा, और दूसरा पूछ रहे हैं मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चिरंजीवी जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने, कोई साइंस की पढ़ाई करने या मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए भविष्य में विदेश जाएंगे, इसकी संभावना आपकी कुंडली में बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके विदेश में सेटल होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप भविष्य में विदेश जाएं, खास तौर से वर्ष 2023 में, 24 में, और वहां पर पढ़ करके सेटल होना चाहें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, सर्दी जुखाम की समस्या और आंखों की समस्या से आपको संभावना समस्या की दिखाई दे रही है। इन समस्याओं का आपको ध्यान रखना होगा। अब आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बेहतर करियर के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, जब तक संभव हो सके रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए आज के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल पंडित जी से जो मैं जानना चाहती हूँ। पंडित जी, अगर किसी पत्नी के पति को नशे की आदत लग गई है, उससे वो परेशान है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है। लोगों के वैवाहिक जीवन में इस समस्या को लेकर दिक्कतें बहुत आती हैं कि पति को नशे की आदत है, पति बात नहीं सुनते, खराब व्यवहार करते हैं। यानी अगर पति को नशे की आदत है तो बाकी सारी समस्याएं उसके साथ चली आती हैं। किसी महिला की कुंडली में अगर उसके लग्न में पाप ग्रह बैठे हों या उसके सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, बहुत बार ये संभावना बनती है कि पति को नशे की आदत होगी। अगर ऐसा है तो क्या करें? पति के जो नशे की वस्तु है, जैसे मान लिया कि किसी महिला का पति अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई नशे की बोतल जो है, शराब की जो बोतल है, या जिस भी वस्तु का नशा करते हैं, उस वस्तु को शनिवार को किसी सुनसान जगह पर या किसी दूर कूड़ेदान में फेंक आइए। ऐसा 8 शनिवार करिए, किसी भी शनिवार से शुरू करके। रोज सुबह और शाम ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और अपने घर में पुरानी वस्तुएं और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, और अगर घर में निगेटिव एनर्जी पैदा होगी तो उससे नशे की आदत भी आपके घर में आएगी। अपने शयन कक्ष में बहुत सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए, यानी अपने घर में लाइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। घर में अंधेरापन नहीं रहना चाहिए, घर में जितना प्रकाश आएगा उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। एक बात और समझिए, ऐसी स्थिति में एक उपाय करने से और फायदा होता है। अगर आप नियमित रूप से रोज सुबह शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाएं, दूब घास चढ़ाएं, और ये प्रार्थना करें कि आपके पति के नशे की आदत में सुधार हो, तो इस उपाय को करने से नशे की आदत में सुधार अवश्य होता है। लेकिन जो उनके नशे की वस्तु है, वो आप ध्यान से 8 शनिवार या कम से कम 3 शनिवार किसी सुनसान जगह पर ले जा करके जरूर फेंकिएगा, और वहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि मैं इस चीज को चाहती हूं, मेरे पति के जीवन से दूर हो जाए, तो इससे लाभ होना शुरू हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन।
मकर राशि, परिवार में आपके खुशहाली आती दिखाई दे रही है, परिवार में आनंद रहेगा, परिवार की तमाम उलझने भी दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करना चाहिए क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कत दिख रही है। शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा, दिन आपका बेहतर होगा, शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, काम का बड़ा और नया अवसर आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, प्रियजनों से आपकी मुलाकात होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो निश्चित रूप से दिन आपका और बेहतर होगा, शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है, अनावश्यक चिंताएं आपकी दूर होंगी और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर खाने की वस्तु का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त हो गया है इसी के साथ इस शो का अंतिम सवाल लेने का, तो पंडित जी अब कौन से दर्शक का सवाल? जी, आज का जो अंतिम मेल है, अंतिम प्रश्न है, वो ममता जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1994, जन्म का समय है सुबह 5 बजे, जन्म का स्थान है पानागढ़, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि पहला विवाह टूट चुका है, क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो दूसरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? ममता जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शनि की आपकी चल रही है 15 अप्रैल 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा और दूसरा विवाह आपका सफल होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरा विवाह होने की संभावना साल 2023 की शुरुआत में, यानी जनवरी से अप्रैल के बीच में दिखाई दे रही है। सेकेंड मैरिज आपकी होगी और दूसरा विवाह आपका सफल रहेगा। अब दूसरा विवाह आपका जल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, वैवाहिक जीवन आपका बेहतर चले, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपका दूसरा विवाह शीघ्र होगा और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पंडित जी, जब भी हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो एक तालमेल पति और पत्नी के बीच में आपको देखने को मिलता है, अगर वो तालमेल मिसिंग है तो फिर आपको रोज ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहे? बिल्कुल, देखिए, वैवाहिक जीवन का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट और पति पत्नी का आपसी तालमेल। अगर पति पत्नी का आपसी तालमेल अच्छा है तो बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। और अगर तालमेल अच्छा नहीं है तो समस्याओं के साथ साथ गलतियां, कमियां, बुराइयां ज़्यादा होती भी हैं और ज़्यादा दिखती भी हैं।
इससे निपटा कैसे जाए? एक तो देखिए, अपने घर के पूजा स्थान पर शिव परिवार का एक चित्र या शिव परिवार की एक मूर्ति की स्थापना करें। शिव परिवार का मतलब है भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी, इसको शिव परिवार कहते हैं। इनका चित्र या इनकी मूर्ति अपने घर पे स्थापित करें और स्थापित करने के बाद नियमित रूप से भगवान शिव के परिवार की पूजा सुबह शाम करें, उनके सामने दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख शांति रहे, पति पत्नी का तालमेल बेहतर रहे। अगर रोज शाम को भी भगवान शिव की उनके परिवार के साथ पूजा करके प्रार्थना की जाएगी तो ये बाधा बहुत आसानी से दूर होगी। जिन घरों में शिव परिवार की पूजा होती है, सामान्यतः उन घरों में पति पत्नी के तालमेल की दिक्कतें नहीं होती हैं। तो एक ये उपाय पतिदेव करें या पत्नी करें, रोज सुबह शाम दोनों समय करें या रोज शाम के समय करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए, अब बारी आ गई है उन तमाम लोगों के वक्त को जानने की जिनका जन्मदिन है 30 जुलाई को। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 30 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में भी बदलाव दिख रहा है और जहां आप रहते हैं, जिस शहर में काम करते हैं, वहां से भी बदलाव दिख रहा है। करियर में और स्थान में बदलाव होगा। विवाह और संतान से जुड़ी हुई जो आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहने वाली है, ये संभावना आपके आने वाले साल में दिख रही है। लेकिन जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान आने वाले साल में रखना होगा। क्या करेंगे? आने वाले वर्ष में पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें तो आने वाला वर्ष आपके लिए और भी बेहतर। और चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला है आज के इस शो में जिज्ञासा के बारे में जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या सावन के शनिवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत विशेष होते हैं? देखिए, सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार कहा जाता है, यानी धन और संपत्ति देने वाला शनिवार। अगर आप सावन के शनिवार पर शनिदेव की पूजा करते हैं तो इससे धन और संपत्ति दोनों प्राप्त होती है। सावन में शनि की पूजा करने से साल भर शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। दो मौके ऐसे होते हैं, एक शनि जयंती पर अगर आपने शनि की ठीक से पूजा की तो आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने सावन में शनि की पूजा की तो भी आपको साल भर शनि पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चलिए, वक्त हो गया है 30 जुलाई के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 जुलाई 2022 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6:00 से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आपके करियर में या आपके रोजगार में कोई समस्या है तो उस समस्या में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। और वो समय फिर से नोट करें, 30 जुलाई शनिवार शाम को 6:00 से 7:30 के बीच में। और चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला है गुडलक राशि के बारे में जानने का। तो पंडित जी, आज की राशि कौन सी गुडलक वाली राशि है और किसके बारे में आप अच्छी बातें बताने जा रहे हैं?
देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं आपकी राशि के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आज जिस राशि का नंबर है वो राशि है मीन राशि यानी पाइसस। इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा कहा जाता है, इनका वैवाहिक जीवन नॉर्मली अच्छा रहता है और इनको बुद्धिमान और धनवान जीवन साथी मिलता है, बुद्धिमान और धनवान जीवन साथी प्राप्त होता है। तो वैसे तो मीन वालों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना मैं जरूर कहूँगा कि अपने वैवाहिक जीवन के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर आप उपासना करते रहें तो आपका वैवाहिक जीवन और भी ज़्यादा शुभ हो। और चलिए अब जान लेते हैं कि शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में पंडित जी आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं खास। जी, शनिवार दोपहर 12 बजे इस बार के गुड लक स्पेशल में जानिए कि नाग पंचमी के अवसर पर आप राहु केतु की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे, राहु और केतु से सांपों का क्या संबंध होता है, राहु केतु की समस्याएं क्या होती हैं और उनका सरल समाधान क्या है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल में। तो जरूर देखिएगा मेरे साथ शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। और चलिए आज के इस शो में बहुत सारे उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, अब बारी आती है महा उपाय को जानने की। पंडित जी, जी अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाहरी लोग बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हों, आपके पति के दोस्त हों, आपके पत्नी के दोस्त हों, पत्नी के मायके वाले हों, आपके वैवाहिक जीवन में दोस्तों का रिश्तेदारों का बहुत हस्तक्षेप रहता हो जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी तो उसे कैसे रोका जाए, इसके लिए नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और उन्हें रोज सवेरे दूर्वा अर्पित करिए, उनके चरणों में दूब घास चढ़ाइए। इसके बाद वक्र तुंडाय हुम इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिएगा, आपके वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। ये उपाय आप कभी भी शुरू करिए, लगातार 1.25 महीने तक करिए, आपको इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।